वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। गम न था, लेकिन बात ये थी कि मैं सकीना और असगर की मुराद को पूरी न कर सका। अल्लाह अकबर, जैसे सीने में तीर आया, अब्बास जमीन पर आए, आवाज लगाई, आका हुसैन अपने गुलाम की मदद कीजिए, अपने गुलाम की खबर लीजिए। मौला हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी दौड़ करके आए तो जनाबे अब्बास को देखा कि आपके दोनों बाजू कटे हैं, खून निकल रहे हैं। एक तसव्वुर मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, एक तसव्वुर, ताकि करबला की रंगीनी को, इस दास्तान की हकीकत को महसूस कर सको। अल्लाह अकबर, जब कोई बाइक से गिरता है तो वो कोशिश करता है कि मैं हाथ के बल गिरूं, कि मेरा हाथ टूट जाए, मेरा हाथ टूट जाए तो मेरा सीना महफूज रहे, मेरी पीठ महफूज रहे, मेरा सर महफूज रहे। और बाइक से गिरने वाला जब हाथ के बल गिरता है तो वो महफूज हो जाता है। अब्बास, तुम तो हाथ के बल कैसे गिर सकते थे, इसलिए कि तुम्हारे हाथ ही काट लिए गए थे। जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए होंगे, गोया के फातिमतुज़्ज़हरा की चीख निकल गई होगी, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए होंगे, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा की रूह तड़प गई होगी। जैसे ही अब्बास का सर मौला हुसैन ने अपनी गोद में लिया और चेहरे पे हाथ फेरा, जुल्फों पे हाथ रखा, कहा, अब्बास कैसे हो मेरे भाई, मेरी तमन्ना ये थी कि तू जिंदगी में एक बार मुझे भाई कहता। कहा, नहीं मौला, तू तो मेरा आका है, नबी की बेटी का शहजादा है, मेरा आका है। नहीं, और अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे, अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे। हजरत मौला हुसैन ने कहा, भाई अब्बास तुम मुस्कुराते हो। कहा, हुसैन मेरे आका, मेरी आंखों के सामने अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता है, अली का चेहरा नजर आता है, नाना मुझे हौज़े कौसर पे दिख रहे हैं और उनके हाथ में ठंडे पानी का प्याला है। नाना कहते, अब्बास देर न कर, जल्दी आ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, गोद हुसैन की है, बुलाना नाना का है। मौला हुसैन ने अब्बास की पेशानी पे हाथ रख के कहा, अब्बास तुम उससे पहले जा रहे हो, नाना को जाकर के मेरा हाल सुनाना और कहना, नाना जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पे बिठाया था वो हुसैन जान तो दे रहा है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर रहा है, जान तो दे रहा है लेकिन अकीदे का सौदा नहीं कर रहा है। अभी ये बात दोनों भाइयों के बीच हो रही थी कि अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मौला हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास का लाशा उठाया और ये कहते हुए, हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई अब्बास, अब मुझे सब्र की तलकीन कौन करेगा, अब मुझे हौसला कौन देगा, मेरे आगे खड़े होकर के तीरों का मीना कौन रोकेगा। ये कहकर मौला हुसैन कटे हुए बाजू वाले अब्बास को लेकर खैमे की तरफ जाते हैं। औरतों की चीखें निकल गई, खैमे में कयामत बपा हो गई। सकीना मासूम बच्ची कहती है, चचा आ गए, लेकिन अब्बास कोई जवाब नहीं देते। अब्बास का गिरेबान पकड़कर सकीना हिलाती है, चचा सकीना से कुछ बात तो करें, आपने जाते तो कहा था कि मैं पानी लाऊंगा, ले आए पानी। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा, बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो बातें नहीं किया करते, तेरा चचा अब्बास दुनिया से कूच कर गया है, अब वो तुझसे कोई बात ना करेगा। तो सकीना ने मासूमियत से कहा, अब्बा बाबा क्या मेरा चचा मुझसे नाराज हो गया जो मुझसे बातें नहीं करेगा। कहा, नहीं बेटी, वो नाराज नहीं हुआ है तुझसे, बल्कि तेरी खातिर उसने अपनी जान का सौदा किया है। अभी वो अब्बास की लाश रखी गई थी, घर की औरतों को तसल्ली ही दी जा रही थी कि मौला हुसैन ने मैदान करबला में जाने की तैयारी शुरू की। जवां साल बेटा मौला अली अकबर खड़े हो गए, नहीं बाबा, जब तक मैं हूं आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे, आप मुझे इजाजत दें मैं करबला के मैदान में जाऊंगा।
मौला हुसैन ने पहली मर्तबा बेटे से जब यह गुफ्तगू सुनी कि मैं करबला के मैदान में जाऊंगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, आंख में आंसू आ गए। तुम जाओगे अली अकबर, तुम जाओगे? हां बाबा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता। जवान साल 18 साल के बेटे अली अकबर ने अपने बाबा के दोनों हाथ पकड़े, बाबा मुझे कोई एक दिन ऐसा बता दो जिस दिन आपके बेटे अली अकबर ने आपसे कोई इल्तिजा की हो और आपने उसको ना कहा हो। आपने कभी मेरी बात को रद्द न किया, मेरी हट आपने कभी न टाली, मेरी मुराद आपने कभी ना नहीं किया, मुझे ना मुराद नहीं किया। बाबा अब तेरे बेटे की एक ही ख्वाहिश है कि मैं भी करबला के मैदान में जाकर अपने बाबा पर अपनी जान को निसार कर दूं। हम शबीए रसूल को देखा, बेटा अहले मदीना तो नाना को जब देखने के मुतमन्नी होते थे तो कभी तेरी दादी, कभी तेरे बाबा, तेरे ताया हसन को या फातिमा को देखकर तमन्ना पूरी करते थे, और जब वो कूच कर गए तो अब अहले मदीना और रसूलुल्लाह के घर के लोग अब तुझे देख करके अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। बेटा तू तस्वीर रसूल है, तू तस्वीर मुस्तफा है, तू आका की तस्वीर है, बेटे तू करबला में नहीं जाएगा। अली अकबर अड़ गए, नहीं बाबा मुझे करबला में जाने दे, वरना मैं कयामत के दिन नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। ए मुसलमानों जरा गौर करो, तसव्वुर करो, अपना बेटा अगर स्कूल से लेट आता है, मां की धड़कनें तेज होती है, मेरा बेटा कहां होगा। बेटा बाइक लेकर के जाता है, दिल में अजीब अजीब किस्म के वसवसात आते हैं, पता नहीं तेज चलाएगा कि धीरे चलाएगा कि क्या होगा। लेकिन हुसैन तेरे सब्र को सलाम, 18 साल का जवान बेटा सामने खड़ा है, मैदान में जाने की इजाजत चाहता है। मौला हुसैन मना करते हैं, जिद करता है बेटा। मौला हुसैन अपने हाथ से अपने खूबसूरत बेटे के सर पे अमामा बांधते हैं। जैनब लिपट गई, ये नहीं हो सकता। उम्मे रबाब हाथ पकड़ लिया, ये नहीं हो सकता। लैला ने कहा, ये नहीं हो सकता। शहरबानों ने रास्ता रोक लिया, ये नहीं हो सकता। मौला हुसैन घर की खवातीन को संभाला देते हैं, कहते बीबियो अब इसका आखिरी सलाम कबूल करो, अब इसकी सूरत तुमने देखना नसीब न होगी। मौला हुसैन अपने हाथों से अपने 18 साल जवान बेटे को घोड़े पर बिठाते हैं, लगाम पकड़ते हैं, बेटा जा अली के खानदान की रीत निभा। अली अकबर जैसे 2 कदम घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, हुसैन कहते बेटा जरा पलटना, बेटे जरा पलटना, तुझे देख करके नबी की सूरत देख लूं, नबी की हुस्न की यादें ताजा कर लूं। अली अकबर जिसे दूल्हा बनना था, आज वो शहादत का दूल्हा बन करके जा रहा है। ऐ कौमे मुस्लिम, ऐ रसूल का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन तुम्हें जहन दे रहे हैं कि दीन कितना कीमती है, दीन की अहमियत कितनी है। दीनदार बनो खुदारा, दीन को पीठ के पीछे न डालो, दीन को सीने से लगाओ, रस्मी मुसलमान न बनो, यजीद की तरह कलमा पढ़ने वाले न बनो, हुसैन की तरह कलमा पढ़ने वाले बनो। दीन के लिए जो कुर्बान करना पड़े कर दो, घर लुटाना पड़े लुटा दो, माल लुटाना पड़े लुटा दो, आबरू लुटानी पड़े लुटा दो, लेकिन अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। मुसलमानों का हाल यह है कि वो बैठकर पानी पीने में भी शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे ये क्यों देखते हो, शफात करने वाले मुस्तफा क्या कहेंगे ये देखा करो, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना उसका फैसला क्या होगा ये देखा करो। मौला हुसैन कहते हैं अली
اکبر میرے بیٹے ذرا پلٹنا تو علی اکبر پلٹتے ہیں حسین اپنے امامے کے شملے سے کبھی کبھی اپنی آستین سے آنسو خشک کرتے ہیں لیکن روتے بھی ہیں تو چپ کے روتے ہیں اس لیے کہ سب کو چپ کرانے والا اگر بیویوں کے سامنے روئے گا تو پھر بیویوں کو چپ کون کرائے گا سب کو تسلی دینے والا روئے گا تو پھر تسلی کون دے گا حسین چپ کے روتے ہیں کبھی آنسو داڑھی کے اندر جاتے ہیں کبھی آستین میں خشک ہوتے ہیں عجیب امتحان ہے اللہ کے دین کے لیے خدا کے دین کے لیے عجیب امتحان ہے مولا علی اکبر میدان کربلا میں آئے کربلا کا نقشہ بدل گیا یوں لگتا تھا جیسے کربلا کا ذرہ علی اکبر کے حسن سے چمک اٹھا ہو علی اکبر کے حسن نے کربلا کی دھرتی پر چار چاند لگا دیے ہو جہاں وحشت ٹپک رہی تھی جہاں دہشت ٹپک رہی تھی وہاں پر اللہ اکبر علی اکبر کے نور نے ایک عجیب سا منور سما کر دیا یزیدیوں نے تلواریں زمین پہ رکھی نیزے زمین پہ رکھ دیے اور کہا شمر حد ہو گئی ہے ارے ہم تو لوگوں سے جنگ کر سکتے ہیں حسین سے کر سکتے ہیں اب ہم اپنے نبی سے بھی جنگ کریں گے شمر بدبخت نے کہا تمہاری نگاہیں دھوکا کھا رہی ہے یہ نبی نہیں ہے آل نبی ہے یہ علی اکبر ہے حسین ابن علی ہے اس لیے اس سے نہ ڈرو اور اس کے بعد جب سامنے جا کر مولا علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا میں علی ہوں حسین کا بیٹا علی کا پوتا علی ابن حسین ابن علی ہوں اور آپ نے جو ہے وہ دو مصرے پڑے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہے کوئی میرے مقابلے کا جب آپ نے مقابل طلب کیا کسی میں ہمت نہ تھی اور نہ مراد نہ مردوں میں طاقت نہ تھی کہ اس شہزادے رسول کا مقابلہ کرتا لیکن آپ خود ہی گھس پڑے اور آپ نے میمنہ اور میسرہ پر اس طریقے سے حملے کیے کہ گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹا اور اس کے بعد جب لڑتے تھک گئے تو پھر ایک مرتبہ بابا کا جملہ یاد آیا علی اکبر ذرا پلٹنا علی اکبر یہ یاد آیا تو سوچا کہ چلو ایک بار پھر بابا سے ملتے ہیں واپس لوٹے حسین خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے بیٹے کو پلٹتا دیکھا عجیب سی خوشی بھی ہوئی آئے کیا بات ہے بیٹا بابا بہت پیاس لگی چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی چار قدم دوڑ لیتا ہے تو اس کو کتنی پیاس لگتی ہے وہاں تین دن سے پانی نہیں ہے سور پانی میں لوٹ رہے ہیں گدے اور کتے پانی میں لوٹ رہے ہیں سب کو پانی پینے کی اجازت ہے آل نبی کو اجازت نہیں ساقی کوثر کی اولاد کو پانی کی اجازت نہیں کیسی نیرنگی زمانہ ہے کیسے حالات ہیں اللہ اکبر جب مولا علی اکبر نے کہا بابا اگر مجھے چند قطرے پانی پلا دیں تو میں ان کی چھکے چھڑا دوں دو روایتیں ملتی ہیں مولا حسین نے اپنی انگوٹھی نکال کے کہا اسے چوس لے اور دوسری روایت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہا بیٹے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے اور پانی نہیں ملتا اور روتے تھے تو نانا اپنی زبان چساتے تھے میرے بیٹے آ اور میری زبان چوس لے علی اکبر کے منہ میں حسین نے اپنی زبان دی تین دن کے پیاسے حسین کی سوکھی زبان جو سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی تھی جیسے ہی علی اکبر کے منہ میں آئی علی اکبر کے زخم ہرے ہو گئے آنکھ میں آنسو آ گئے مجھ سے زیادہ سختی تو میرے 56 سالہ باپ کی زبان میں ہے لیکن باپ کی زبان چوسی اور اس کے بعد پھر کا ابا آخری سلام لے اپنے علی اکبر کا مولا حسین نے کہا بیٹے جاؤ جا کر اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لو مولا علی اکبر پلٹے بیبیاں حیرت و یاس کا حیرت و استجاب کا مجسمہ بن گئی کسی میں طاقت اور سکت نہیں ہے کلام کی علی اکبر پلٹے ہیں دشمن منظم ہو چکا تھا کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لو چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اتنے زخم آئے کہ کپڑے لہو لہان ہو گئے سر پھٹ گیا ایک پلید نے ولد الشیطان نے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کہ تصویر مصطفیٰ گھوڑے سے زمین پر آ گئی جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے آواز لگائی بابا اپنے علی اکبر کی خبر لینا
हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफ़ा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है। ऐसा लगता था मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद को गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? ते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा। ये जो मेरे सीने में नेजा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूँ। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साल जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद 56 साल अपने बुढ़ापे की ताकत को हुसैन ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेजा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेजे की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेजे की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था पहाड़, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जल्ले देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद ना हुआ था, लेकिन जवां साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है, बाप के सीने में दिल होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है। लेकिन हुसैन मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका। बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेजे की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर चकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्न असाकिर लिखते हैं ज़ैनब ने शेरबानों से कहा, हुसैन शेरबानों देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया। खैमे आले रसूल में एक अजीब माहौल है, बीबियां बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है, अजीब हाल है। हुसैन बाहर देखे कि अंदर देखे, एक के बाद एक लाशें हैं, खेमा खाली हो गया है, अब कोई नहीं है खेमे में, बस एक नन्ना सा मासूम 6 महीने का अली असगर है और एक आबिद बीमार है ज़ैनुल आबिदीन जिसे दुनिया कहती है। अल्लाह अकबर, कल तक के जिसका खेमा खचाखच भरा हुआ था, जवान जवान खूबसूरत बेटे जिनके खेमे की निजीनत बने हुए थे, आज वो खेमे खाली हो गए, उन खेमों में कुछ नहीं रहा, या तो रोती हुई बीबियां हैं, या तो बेहोश होती हुई बीबियां हैं, या तो बिस्तर पे पड़ा हुआ ज़ैनुल आबिदीन है। बाप को देखा, खड़े होने की कोशिश, बाबा मैं भी करबला में जाऊंगा, अली अकबर शहीद हो गया, कासिम भी, सब, मैं जाऊंगा, मुझे भी जाने दे। मौला हुसैन ने कहा, नहीं बेटा नहीं, अगर तुम भी करबला के मैदान में शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा, मेरी आल हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे चलेगा। बेटा तुमने करबला के मैदान में नहीं जाना, नाना की रिवायतें, नाना का इल्म, मेरी जानशीनी सब तुम्हें निभाना है।
बेटा तुम भी शहीद हो गए तो इन औरतों की रहनुमाई कौन करेगा, इनका महरम बनकर मदीने तक कौन जाएगा, मदीने मुनव्वरा जाकर नाना की कब्र पर दास्ताने गम कौन सुनाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।